आज आपके विद्यालय में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में बिहार के नाम को बहुत ऊंचा किया है। आपके विद्यालय ने इतना ऊंचा किया है बिहार के नाम को। शायद बहुत दिनों का एक सूखा पड़ा हुआ था कि कोई व्यक्ति यूपीएससी, हम लोग सुनते थे कि भाई पहले नंबर पे बिहारी होते हैं या बिहार के लोग अधिकतर होते हैं। काफी दिनों बाद कोई व्यक्ति जो टॉप करके निकल करके आया वो आपके ही विद्यालय से है, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग को एक कविता सुनाता हूँ और वो कविता मैं आपको बिहार के ऊपर सुना देता हूँ। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, और सभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं मैं समझता हूँ वो सब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। मैं भी बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था, जब मैं टीचर क्लास में आया बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। संस्कृत के टीचर आया बोले तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, मातु सोजा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। देखिए मैं तो हास्य का कवि हूं, लोगों को हंसाता हूं। मैंने इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल देखा क्या कमाल का था। आज तो मैं खासकर एयरपोर्ट पर उतरा दरभंगा, वहां से यहां तक आया, तो मैंने जैसे ही मैं पटना दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। अच्छा, जितने भी लोग मिले एयरपोर्ट के अंदर सब कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे थे, सब मास्क लगाकर बैठे थे। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। तो ऐसे ही मामला चलता था। मैंने आपको बताया मैं तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था। क्लास में एक बार आ गए संस्कृत के अध्यापक, बोले तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, मा तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। फिर गणित के आगे बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे, मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते, मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। आप लोगों ने नाम सुना होगा डिजिटल इंडिया, सभी ने सुना होगा। मैंने एक अखबार में एडवर्टीजमेंट देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए, मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे, तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, कसक नमकीन के लिए 3 दवाई है, गोलगप्पे के लिए 4 दवाई, आजकल सब कुछ एक दुकान पर मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी मैंने 1 दवा दिया, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई है, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई है, जलेबी लेने के लिए 4 दवाई है, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने 1 दवा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोती चूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, तिल के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई है, मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था मैंने 1 दवा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई है, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई है, 1 दवा ना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने कहा ये तो गलती हो गई, लेकिन मैंने वही किया जो आप सब करते, मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद उनकी कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी थी। मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी कभी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं किसी को, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताइए जी, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए दबाते जाइए। तो बिल्कुल देखिए जीवन में हंसी जो है ना वो हर जगह मिल रहा हुआ है। आप लोग, हम लोग क्या है कि तनाव में बहुत आ गए, बहुत ज्यादा तनाव में आ गए, हंसी भूल गए।
टेंशन में आदमी किसी भी बात पर आ सकता है। किसी आदमी को आपको टेंशन में लाना हो कुछ भी मत करो। घर से बाहर जो भी आदमी आपको मिले उसे नमस्ते करके निकल जाओ, अगला टेंशन में आ जाएगा। ये थाक मन जो सुबह सुबह नमस्ते करके चला गया। पति पत्नी साथ जा रही हो और पति को कोई लड़की नमस्ते करके चली जाए, पूरे घर में टेंशन। जिंदगी भर पूछती रहेगी वो थी कौन जो बाजार में तुम्हें नमस्ते करके गई थी। तो देखिये सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है। बिहार के ऊपर एक गीत आपको सुना देता हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि बिहार क्या है, बिहारी क्या है। मैं बहुत दिनों से दिल्ली में रहता हूँ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई, सारी एजुकेशन वहीं पे हुई, और बिहारी शब्द को मैंने अलग अलग लोगों ने हमें अलग अलग तरीके से बताया, कोई गाली की तरह, कोई कुछ, कोई ताने मारता है, कोई व्यंग करता है, लेकिन बिहार क्या है, बिहारी क्या है, मैं एक अपनी कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम सौ पर भारी एक पर, हम सौ पर भारी एक पर, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। देखिए तालियां ऐसे नहीं बजानी है, मैं बता देता हूँ, यहाँ तो बहुत फैकल्टी मेंबर भी है इधर, जो भी शादीशुदा महिलाएं यहाँ पे बायां हाथ उठाएंगे, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। पुरुष भी निराश ना हो, दाएं हाथ उठा लो, भाभी जी की फोटो मत देखना, नहीं तो सुबह सुबह जो तो रोटी मिल रही हो भी बंद हो जाएगी। इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। अपना तो देश ही अद्भुत है, जहां चले जाओ वहीं पर हंसी बिखरी पड़ी है, मैं आपको सच बता रहा हूं। और यहाँ तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम सौ पर भारी एक परे, हम सौ पर भारी एक परे, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। बिहार ने क्या किया, कहां कहां बिहार है, वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे, हम दिन कर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, सत्ता मद में जब चूर हुई हम जय प्रकाश बन कर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिन कर बोले, हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो है, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है, दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गूंज किलकारी हैं, दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं, रावण जिसको छू भी न सका, रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती। और एक देखिए इसमें एक स्टैंजा आप लोगों को बहुत पसंद में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। क्लासेस चल रही थी पिछले दिनों ऑनलाइन, तो मैडम ने लगातार 4 घंटे तक ऑनलाइन क्लास लिया। 4 घंटे ऑनलाइन क्लास लेने के बाद
उसने ऑनलाइन बच्चों से पूछा कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो एक बच्ची ने हाथ खड़ा कर दिया, पूछा बेटे क्या डाउट है तुम्हें? तो बच्ची ने बताया कि मैम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बीच में जब ब्रेक हुआ था तो एक गंजा सा आदमी अपने कांधे पे एक कपड़ा पोछे का रख के चाय देने आया था, वो आपका पति था क्या? देखो जीवन में एक चीज समझ लो, ये जो सब कुछ हुआ इसका एक सिंपल सा मतलब है कि कभी भी ना इतना ज्यादा रेगुलर में नहीं रहना चाहिए कि बाकी जीवन का मजा खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए सिस्टम बेकार हुआ, लेकिन हम सब इस चीज का आनंद ले रहे थे, हम सब हंस रहे थे। इसी तरह से जीवन में अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो उसको हंसकर भी टाला जा सकता है, जैसे हमने अभी इस तरह सारी घटना को हंसकर टाल दिया। जीवन में बड़ी दिक्कत नहीं होती है कि हम छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी बड़ी मानने लगते हैं। दरअसल परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं, वो एक इम्प्रेशन है। जब तक रोशनी नहीं रहती तभी तक सूरज का परछाई आपको दिखता है। रोशनी आते ही अगर रोशनी सबसे ऊपर हो तो कोई परछाई नहीं बनती। समस्याएं जो है वो परेशानियां परछाई ही होती है, बस रोशनी की कमी ही जो है उसको बड़ा कर देती है, छोटा कर देती है, समझ की कमी। खैर मोदी जी कमाल के हैं सर, आदमी की अगर शादी ना हो तो मन की बात भी रेडियो पर करनी पड़ती है। रेडियो पर मन की बात आती रहती है, उनका आभार महीने। खैर वो आए थे ना 8 नवंबर को, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, पतियों को आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे, बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा तो देश ही अद्भुत है। कभी आप लोगों के बीच में फिर मौका लगा तो मैं आऊंगा। एक स्टेंजा आपको बिहार गीत का जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो मैं सुनाता हूं। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूं सर, मैं तो पटना में एक दिन सुना रहा था, 1 घंटे तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 1 घंटे बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तुम तो लगे रहो। तो ऐसा ना हो मैं लगा रहा हूं और आप तंबाकू कूटते रहे। 4 लाइन ऐसी मुझे बीच में अचानक से याद आ गई, विकास बाबू सुनिएगा, 4 लाइन जो मुझे अचानक से याद आ गई। पाकिस्तान है आप जानते हैं, वहां से बार बार हिंदुस्तान को तंग किया जाता है, मैं 4 लाइनों में पाकिस्तान को यहीं से खड़े खड़े ही निपटा दूंगा। सुनिए आप सबको मजा है तो ऊपर जो लोग भगवान के ज्यादा नजदीक बैठे हैं, हाँ ये लोग बालकनी से फिल्म का मजा ले रहे हैं। कोई नहीं बात सुनिएगा, पाकिस्तान को 4 लाइनों में कैसे मैं बिहार की तरफ से निपटाता हूँ यहां से खड़े खड़े। जाजी देते हैं जब जवाब तो दो टूक देते हैं, देते हैं जब जवाब तो दो टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी कहीं नहीं खा के थूक दे, उतने बिहार। डायरेक्टर साहब भी कहेंगे ये स्कूल में आकर के क्या कर रहा है बच्चों को। नहीं सर एक दिन ना साल में कवि सम्मेलन करा लिया करो, इससे क्या होगा कि पूरे साल आप डिसिप्लिन बनाओगे, हम एक दिन में आकर खराब कर देंगे और फिर अगले साल के लिए आपके पास टास्क हो जाएगा कि चलो। मैं तो बता रहा हूं मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हिंदी के टीचर आए बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। हो गए तो मैथ के फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर वो
इसके बाद अंग्रेजी क्या गए? बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। मैं बता रहा हूं, बहुत ब्रिलियंट था, संस्कृत के टीचर आ गए, बोले सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका अर्थ बताओ। तो मैंने बताया जब सर्वे किया गया तो पता लगा कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। अपना तो मामला ही अद्भुत है। मैं बैंक में गया, मैंने कैशियर को दो नोट दिए, मैंने कहा भाई जमा कर लो, तो उसने एक वापस कर दिया, बोला ये जमा नहीं होंगे, फटे हुए हैं। मैंने कहा मैं अपने खाते में करा रहा हूँ, फटे हुए कराऊ, गले हुए कराऊ, क्या मतलब तुम्हें, मेरा अपना अकाउंट है। तो अपना तो मामला। और देखो सचमुच जीवन में ना हंसी हर जगह बिखरी है। मैं ट्रेन में आ रहा था, सामने तीन चार महिलाएं बैठी थी, सभी लगी हुई। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उठते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, आप भी करो। दूसरी भी लगी, मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उठते, काले, घने, लंबे, बड़े होते, आप भी करो। तीसरी भी लगी, मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली भाई साहब बताया ना, ऐसा करने से नए बाल उठते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, आप भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही थी, मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आए। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, कोई भी काम टाइम पर करना चाहिए। एक बिहार गीत का आपको एक बंद सुनाता हूँ और फिर आप लोगों से विदा चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो लोग हैं जो आने वाले, जिसे हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का सपना आप लोग साकार करेंगे निश्चित तौर से। आप लोगों के मैं बड़े उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब बड़े हो, बहुत ही बड़े हो, और बस एक बात समझ लेना, जीवन में बहुत लायक हो जाना, बस इतना लायक मत हो जाना कभी कि अपने माँ बाप और अपने परिवार को अपने लायक मत समझो, ऐसा मत हो जाना। अक्सर यही हो जाता है कि हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फिर अपने साथ वालों को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। आप लोगों के सामने तो पूरा भविष्य है। मैं एक पद पढ़ता हूं और अपना आप लोगों से आज के लिए विदाई चाहता हूं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम सौ पर भारी एक पर, हम सौ पर धारी एक पर, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम सबसे ज्यादा बिहार क्या है, बिहारी क्या है, हम सबसे ज्यादा सरज जी, हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा आईएएस हैं, आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है, हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, तेजस निर्माण किया हमने। आगे बैठे हुए लोगों के लिए चाय समोसा आ गया है, कहीं कहीं ये बच्चों को भी खिलाया जाता है। तो जी बहुत अच्छा है, मैं चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकता। आज से 7 साल पहले जिस जिसने चाय वाले को कुछ भी कहा वो किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। हमारा देश बहुत ही अद्भुत है। आइए इसको समाप्त करता हूँ, आप लोगों ने बहुत समय दिया, आप लोगों का मैंने बहुत समय लिया, बहुत बहुत आप सभी का थैंक यू। लेकिन 4 लाइनें जो मैं अंतिम आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। जीवन में आपको जो ईश्वर ने दिया है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, वो अपने आप में बेस्ट है। आपको एक चीज पता होगी, आप सब स्टूडेंट हैं, कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, कोई ह्यूमैनिटी का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, सभी ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने विषय अपने टॉपिक चुन रखे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जीवन में ईश्वर ने जिसको भी जो दिया है वो श्रेष्ठ है। आपके जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है। आप सभी को पता होगा हम लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं या बॉडी का कोई भी पार्ट, हम जितने भी लोगों के अंगूठों के निशान लिए जाते हैं, उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, रेटिना लिया जाता है, आज तक अभी तो पूरी दुनिया में लगभग
700 मिलियन लोग होंगे, इतनी पॉपुलेशन होगी, एक का दूसरे से कभी मैच नहीं किया, ये तो अभी प्रेजेंट है। पता नहीं कितने लाखों सालों से मनुष्य है, आज तक किसी भी एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी से नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि आप जैसे हैं वैसा दूसरा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में बेस्ट हैं। आपको ईश्वर ने जो बनाया है वो उसकी अनुपम रचना है, उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बस यकीन रखना, और किसी भी चीज के ऊपर ना कभी सोचने की जरूरत है और ना कभी कुछ समझने की जरूरत है। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा तो जीवन की कोई भी लड़ाई, कोई भी बात आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आप देखिए, मैं एक बिहार के मधुबनी से निकला, छोटे से गाँव से, पढ़ाई लिखाई अपनी मेरी कुछ दिल्ली में हुई, कुछ गाँव में हुई, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से, आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे, एवरेज लुकिंग, गोल मटोल सा, बाल भी बढ़ा लिए, रंग भी ऐसा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं सिर्फ अपने आर्ट की वजह से दुनिया के 31 देश में जाकर के परफॉर्म कराया हूँ। और अपने जीवन की जो लग्जूरियस होती है, जो लग्जरी लाइफ होती है, उसको मैं अफोर्ड करता हूँ। सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है, और आपका अपने ऊपर विश्वास ही आपको दुनिया में सबसे आगे रखता है। तो आप लोग बस अपने ऊपर यकीन रखिए, किसी के साथ में कोई भी परेशानी हो सकती है, किसी के घर में कभी परेशानी होती है, किसी के जीवन में कभी परेशानी होती है, लेकिन वही व्यक्ति सबसे आगे होता है जो उन परेशानियों से कहता है कि सुनो परेशानियों, तुम्हारी परेशानियों से ज्यादा बड़ी मेरी उम्मीदें हैं। जिसकी उम्मीदें ज्यादा बड़ी होती है, परेशानी उसके लिए हमेशा छोटी पड़ जाती है। आप लोग को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, वंदे मातरम।